वॉल है, बॉडी वॉल। तो बीच में जो हमारी खाली जगह है, ठीक है, जो खाली जगह है वो क्या है, हमारी बॉडी कैविटी है, वो क्या है, बॉडी कैविटी। तो इनके अंदर, टीनोफोरियंस के अंदर, ये इनकी बॉडी वॉल हो गई, ये इनका एलिमेंट्री कैनाल हो गया। तो जो ये बीच की जगह है, ये सारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के बीच में और बाहर के बीच में, अगर मैं इनका बॉडी वॉल बनाऊं, ठीक है, ये कुछ इस तरह से इनकी बॉडी वॉल बन गई। तो अब इस एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कोई जगह है, नहीं है ना, कोई भी जगह प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसी बॉडी क्वालिटी शो करते हैं, एकॉइलमेंट। देयर इज नो स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, सो दे पोसेस बॉडी कैविटी एकॉइलमेंट। ठीक है जी, क्या शो करते हैं, एकॉइलमेंट बॉडी कैविटी। तो आपको यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इनके शरीर के अंदर इनकी बॉडी क्या है, एड्स से रिलेटेड प्लेट्स क्या करती थी, बियर करती थी, जिसके कारण, या ठीक है, एड एक्सटर्नल रोज थी सीलिया की, तो इसे हम क्या कहा था, कॉम जेलीज, इसलिए कहते हैं इन्हें, सी वॉलनट्स भी कहा जाता है, उनको प्लेट्स थी इसलिए इन्हें कॉम जेलीज कहा गया, जो इनकी हेल्प करती थी लोकोमोशन के अंदर। ठीक है जी, बॉडी कैविटी ये इक्विलमेंट है, जैसे नाइडेरिया के अंदर था, बॉडी प्लान इनका ब्लाइंड सैक है, रेडियल सिमेट्री ये शो करते हैं, क्या करते हैं, रेडियल सिमेट्री सर ये शो करते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कारण ये डिप्लोब्लास्टिक है, जिसके कारण ये डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है जी, यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो अभी दोबारा रिवाइज भी करवा दिया। उसके बाद बात आती है कि इनका डाइजेशन कैसा है, अच्छा उससे पहले अगर डिसिमिलरिटी की बात करें, अगर अगर डिसिमिलरिटी की बात करें कि नाइडेरिया से क्या कुछ इनमें अलग है, नाइडेरिया से क्या कुछ इनमें अलग है, तो सबसे पहले तो बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस नाइडेरिया के अंदर तो नहीं है ना, नहीं है सर, सिलेंड्रेट्स में बायोल्यूमिनेसेंस नहीं है, पर ये शो करते हैं, तो सबसे पहली बात तो यही होगी। ठीक है जी, देन आपका उसमें फर्टिलाइजेशन कैसी थी, इंटरनल थी, इसमें कैसी है, एक्सटर्नल है। सो सबसे पहले डिसिमिलरिटी कि जो टीनोफोरियंस है वो क्या शो करते हैं, टीनोफोरियंस शो बायोल्यूमिनेसेंस, जो नाइडेरियंस शो नहीं करते, जो नाइडेरियंस शो नहीं करते, नाइडेरियंस तो नहीं चमकते ना रात में, पर टीनोफोरियंस चमकते हैं। ठीक है जी, देन बात करते हैं डाइजेशन के बारे में, इनका डाइजेशन कैसा होता है, ये दोनों तरह का डाइजेशन शो करते हैं, दे शो बोथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है जी, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, बॉडी के अंदर भी डाइजेशन हो जाता है और क्या है, बॉडी के बाहर भी। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है कि डिफरेंस क्या थे एक्स्ट्रासेलुलर में और इंट्रासेलुलर में, तो इनका बॉडी डाइजेशन कैसा है, दोनों तरह का है सर, एक्स्ट्रासेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है।
बॉडी के अंदर क्या होगा कंप्लीट तो कब होगा जब माउथ और एनस अलग अलग होगा तो वो क्या होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर माउथ और एनस दोनों एक ही होंगे बॉडी के अंदर एक ही पार्ट दोनों का रोल प्ले करेगा तो वो क्या होगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है जी। देन फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो फर्टिलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया था क्या है एक्सटर्नल है बाहर है। ठीक है जी। तो और कैसा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है कैसी होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनके जो सेक्सेस हैं तीनों फोरा के अंदर जो सेक्सेस हैं वो अलग अलग नहीं है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस क्या है अलग अलग नहीं है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और रिप्रोडक्शन कैसे होगी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल होगी। रिप्रोडक्शन कैसी होगी सेक्सुअल होगी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी बाहर होगी बॉडी से बाहर होगी और क्या होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट क्या होगा डेवलपमेंट होगा बच्चे। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। ठीक है जी। क्या कुछ देखा तुमने डाइजेशन इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह से हो सकता है सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से ही होगी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी और क्या होगा इंटरनल डेवलपमेंट होगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर में आप फर्क समझ ले एक्स्ट्रा यानी सेल के बाहर इंट्रा सेलुलर यानी सेल्स के बीच में। ठीक है जी। सेल्स के बीच में जब क्या है स्पेसिफिक वे होगा ठीक है जी बाहर आने का और जब क्या है सेल्स एक्स्ट्रा में सेल से बाहर ही डाइजेशन हो रहा है यानी ब्लड के थ्रू डाइजेशन हो रहा है तो वो क्या हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है जी। कोई स्पेशल यानी एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है फूड को कैरी करने के लिए कोई स्पेशल वेन्स या कोई स्पेशल कैरियर नहीं होता और वो ब्लड के थ्रू ही सारी बॉडी के अंदर फैल जाता है कोई स्पेसिफिक वे से उनका रिलीज आउट और रिलीज इन नहीं होता। और इंट्रा सेलुलर के अंदर क्या है हर एक सिस्टम के लिए स्पेसिफिक इंजन्स है स्पेसिफिक रूट्स है। ठीक है जी। तो ये फर्क है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर में। सो आई होप आपको समझ आया होगा फाइलम टीनोफोरा। तो एक बात और बच्चों तीनों फोरा के अंदर कि जो इसका फर्टिलाइजेशन था वो तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसा था एक्सटर्नल था। ठीक है जी। सेक्सेस कैसे थे सेपरेट थे सेक्सेस इसके सेपरेट थे। जो इसका रेस्पिरेशन है उससे पहले रेस्पिरेशन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि इनको कॉम जेलीज भी कहा जाता है। Why they are called comb jellies? ये भी मैंने आपको बताया था कि इनके बॉडी के अंदर प्लेट होती है आठ ऐसे करके आठ सिलिएटेड प्लेट्स होती है आठ सिलिएटेड प्लेट्स थी चार एक साइड चार पीछे उनपे ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए ने कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। और अगर आप देखो तो तीनों का मतलब होता है कॉम्ब और फोरा बियरिंग ये जो कॉम्ब जैसी चीजें लेकर चलते हैं अपने अंदर जो अपने पास कॉम्ब जैसी चीजें लेकर चलते हैं उन्हें हम टीनोफोरियंस भी कहते हैं। ठीक है जी। तो आगे कुछ कैरेक्टर्स हम इनके रह गए थे वो पढ़ रहे हैं जो इनका रेस्पिरेशन है
रेस्पिरेशन है जो सांस लेने की प्रक्रिया है, एंड एक्सक्रीशन जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करने की प्रोसेस है, वो कैसे है? बाय बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के द्वारा। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू द बॉडी सरफेस, इससे होता है बॉडी सरफेस से। तो बच्चों ये क्या है? इसलिए दे आर अमीनो टैलिक। एक चीज हो, दे आर अमोनो टैलिक। क्या है ये अमोनो टैलिक? ए डबल एम ओ एन ओ टी ई एल आई सी, दे आर अमोनो टैलिक। ये कैसे है? अमोनो टैलिक। ठीक है जी। जैसे जैसे सीलन ट्रेड्स के अंदर क्या थे? नाइडेरियंस के अंदर, नाइडेरियंस के अंदर बच्चों क्या थे बताओ? रेड रेड क्या थे? रेड रेड डॉट्स थे उनके हाइपोस्ट्रोफ के ऊपर जो टेंटेकल्स थे, नीडो ब्लास्ट जो क्या थे? जहरीले थे। ठीक है जी। लेकिन इनके अंदर वो नहीं होता, इनके अंदर भी क्या है? ऐसे ही टेंटेकल्स के पास क्या है? सोलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर तो होते हैं, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोलोब्लास्ट। सोलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर टेंटेकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं जी? जिन्हें हम कहते हैं सर कोलोब्लास्ट। जिन्हें हम कहते हैं कोलोब्लास्ट। ठीक है जी। तो समझ आ गया, रेडियल सिमेट्री थी सर इसके अंदर लाइक नाइडेरिया, दे आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक लाइक नाइडेरिया। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड सेक्स इज आर सेपरेट, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इज अकर बाय द बॉडी सरफेस एंड दे आर अमोनोटैलिक लाइक नाइडेरिया। दे हैव ऑल्सो सोलिड रॉड लाइक रेक्टिकल टेंटेकल्स दैट आर कॉल्ड कोलोब्लास्ट, बट नाइडेरियंस हैव द नाइडोब्लास्ट। ठीक है जी। और नाइटोब्लास्ट की तरह भी इनका कोई डेंजरस फंक्शन नहीं है। ठीक है जी। नर्वस सिस्टम इनका डिफ्यूज टाइप है। कैसा है नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम इनका डिफ्यूज टाइप है। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको लगभग मोस्टली इसका कराई दिया कि क्या क्या चीज है। मैराइन में थे टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड 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 इकैनोडर्मेट्स आर मेनली, या फिर आप यूजली मैराइन। एक्वाटिक तो थे ये सभी है, पोरिफोरा भी है, नाइडेरिया भी है, पर टीनोफोरा, इकैनोडर्मेटा और इकैनोडर्मेटा, टीनोफोरा और आपका हेमिकॉर्डेटा, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र के अंदर ही पाए जाएंगे, किसी नदी तालाब में नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। तो आगे यहां तक बात समझ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ क्या हमारा फाइलम टीनोफोरा खत्म होता है, फाइलम टीनोफोरा खत्म होता है। एक बात हो, इसकी 50 प्रजातियां पाई जाती है हमारी अर्थ पर, 50 लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है, किसकी? टीनोफोरा की। किसकी? टीनोफोरा की 50 लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है जी। देन लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट फाइलम विच इज प्लेटी हेलमेंथिस। हमारा अगला फाइलम कौन सा है? फाइलम
फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस। इन्हें प्लेटीहेलमिंथीस क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लेट का मतलब फ्लैट, ठीक है जी, और हेलमिंथीस वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। ये यानी एक तरह से ये लगा लो पहली प्रजाति है जिसने क्या शो करा, जिसने बच्चों पहले एनिमल है ऑर्गन सिस्टम ऑफ इम्प्लांटेशन शो करी, ठीक है जी, बाइलेटरल सिमेट्री शो करी। इन्होंने सेफलाइजेशन दिखाया। सेफलाइजेशन क्या होता है? आपके एंटीरियर एंड पर, एंटीरियर एंड पर हेड और ब्रेन का इंफॉर्मेशन होना। ये पहले ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर हेड और ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, ठीक है जी। तो लेट्स स्टडी अबाउट प्लेटीहेलमिंथीस। ये या तो लीफ जैसे आकार के होते हैं जैसे ल्यूक वॉर्म हो गए, या फिर रिबन जैसे होते हैं जैसे फ्लैट वॉर्म, ठीक है जी। तो पहली क्या है? दे आर जनरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या तो इनका पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर होगा, और रिबन लाइक, या फिर रिबन रिबन जैसा हो, ठीक है जी, कुछ ऐसा। ये आपका ल्यूक वॉर्म, ये आपका ल्यूक वॉर्म, ठीक है जी। ये इसका माउथ, ये एनस, ये एनस, ए एन यू एस, ल्यूक वॉर्म, ठीक है जी। रिबन लाइक हो सकते हैं या फिर लीफ लाइक हो सकते हैं। अच्छा एक चीज हो, ये डोर्सो वेंट्रिकल होंगे, ठीक है, ये तो समझ आ गया कैसे होंगे सिर्फ। ये डोर्सो वेंट्रल होंगे, डोर्सो वेंट्रिकली फ्लेटेड, डोर्सोवेंट्रिकली फ्लेटेड का मतलब क्या होता है कि नीचे से तो इनकी बॉडी फ्लैट होगी, ठीक है जी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं ये मेरा हाथ है, ठीक है जी, ये मेरा हाथ नीचे से तो फ्लैट है और ऊपर से उठा हुआ है, कर्व शेप है। तो ये क्या पोजीशन है? डोर्सोवेंट्रल। ये पोजीशन क्या है? डोर्सोवेंट्रल। वैसे ही अगर डायग्रामिक व्यू में समझाऊं तो क्या है, जो नीचे से इनकी बॉडी होगी वो तो कैसी होगी? फ्लैट, बिल्कुल सीधी, और ऊपर की तरफ इनका शरीर कैसा हो? उठा हुआ, ठीक है जी। तो ये क्या है? डोर्सो वेंट्रल। ये कौन सी पोजीशन है? डोर्सो वेंट्रल पोजीशन है ये। तो इनकी बॉडी कैसी है? डोर्सो वेंट्रिकली फ्लैट, ठीक है जी, डोर्सो वेंट्रिकली फ्लैट ऑर्गेनिज्म है ये। और कैसे होते हैं? लीफ लाइक होते हैं, शेप्ड होती है, या रिबन लाइक शेप्ड होते हैं, जो डोर्सो वेंट्रिकली फ्लैट होंगे, ठीक है जी। इसके बाद ये पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑर्गन लेवल ऑफ टिश्यू, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करी। इससे पहले क्या थे? सेल थे। सेल से आगे क्या हुआ था? नाइटेरियन और टीनोफोरा, टीनोफोरा के अंदर क्या हुआ था? सेल से आगे टिश्यू बन गए थे, लेकिन इन्होंने उन टिश्यूओं को भी एडवांस करके क्या ऑर्गन बना दिए, अलग अलग ऑर्गन बना दिए, ठीक है जी। फर्स्ट एनिमल टू शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
से जिन्होंने क्या करा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो की, क्या शो की, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, अब बात आती है बॉडी प्लान पे, तो बॉडी प्लान इनका भी कैसा है, ब्लाइंड सेट। ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान है, बॉडी प्लान इनका भी कैसा है, ब्लाइंड सेट है। ठीक है, तो प्लेटी हेलमेंटिस क्या है, ये जनरली लीफ जैसे या फिर रिबन जैसे होते हैं, जो डोर्सो वेंट्रिकली फ्लैट बॉडी होती है जिनकी, और पहले ऑर्गेनिज्म थे जीव थे जिन्होंने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन